हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फिर से और एक नए वीडियो पे आप सबको बहुत 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 वेलकम। तो आज मैं सबका फेवरेट टेस्टी एंड डिलीशियस वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो आज मेरा 1 पाउंड के ब्लैक फॉरेस्ट केक की एक ऑर्डर थे, तो उसके लिए मैंने गैस पे 1 पाउंड के एक चॉकलेट स्पॉन्ज बेक कर लिया। फिर उसको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद मैं 3 लेयर में कट कर लिया। तो स्पॉन्ज को कटने के बाद मैं करूँगी केक को डेकोरेशन। तो पहले स्पॉन्ज की एक लेयर मैं रखूँगी केक बोर्ड के ऊपर। तो पहले क्रीम देके क्रीम को थोड़ा स्प्रेड कर लिया केक बोर्ड के ऊपर, फिर एक स्पॉन्ज की लेयर रखा। और लेयर रखने के बाद लेयर को मैं अच्छी तरह से चेरी सिरप से सोक कर लूँगी। और चेरी सिरप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस कुछ चेरी को टुकड़ा कर लेना है और उसके साथ थोड़ा पानी दे के उसको थोड़ा बॉयल कर लेना है और फिर ठंडा कर लेना है, फिर स्पॉन्ज को उसी से सोक करना है। और आज मैंने लेयरिंग में क्रीमी देने के बाद मैं चॉको चिप्स या चॉकलेट गनाश यूज़ नहीं किया हूँ, बस डार्क कंपाउंड चॉकलेट को ग्रेट किया फिर क्रीम के ऊपर डाल दिया। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हो ना पूरे लास्ट तक तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया, फिर केक के ऊपर अप्लाई किया। और आज मैं पाइपिंग बैग को थोड़ा बड़ा सा कट किया हूँ क्योंकि क्रीम की जो लेयरिंग थे वो मुझे थोड़ा थिक चाहिए थे, तो इसलिए मैं पाइपिंग बैग को बस थोड़ा बड़ा कट लिया और क्रीम मैं केक के ऊपर अप्लाई किया। और क्रीम देने के बाद मैं थोड़ा क्रीम को स्प्रेड कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। और स्प्रेड करने के बाद मैं तो पहले ही बोला कि आज ब्लैक फॉरेस्ट केक में मैं कोई चॉको चिप्स या चॉकलेट गनाश यूज़ नहीं करूँगी। तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मैं थोड़ा ग्रेट कर लिया और उसी चॉकलेट के टुकड़े को मैं केक के ऊपर डाल दूँगी। तो आप लोग ट्राई करके देखना, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट को ग्रेट कर लिया, फिर उसके ऊपर क्रीम के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद मैं केक के सेकंड लेयर बिठाया और सेकंड लेयर बिठाने के बाद मैं पहले साइड से कवर कर लूँगी, फिर मैं ऊपर से चेरी सिरप से सोक कर लूँगी स्पॉन्ज को। तो साइड से कवर कर लिया मैं, आप लोग तो देख सकते हो। और कवर करने के बाद मैं ऊपर के लेयरिंग को अच्छी तरह से चेरी सिरप से सोक करूँगी, लेयरिंग आई मीन स्पॉन्ज की जो लेयर है तो वही। तो और सो करने के बाद मैं सेम स्टेप फॉलो करूँगी, क्रीम दूँगी, क्रीम देने के बाद मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। और स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसी जो लेयरिंग है तो इसमें मैं चेरी के जो टुकड़े हैं उस टुकड़े का डालूँगी और कुछ जो चॉकलेट का टुकड़ा डालूँगी, जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट मैं ग्रेट कर लिया तो उसी का कुछ टुकड़ा डालूँगी। और जो चेरी मैंने सिरप के लिए यूज़ करी थी, तो सिरप तो मैंने सोक करने के लिए यूज़ किया लेकिन चेरी का टुकड़ा तो मेरा रह गया, तो उसी चेरी का टुकड़ा को मैं इधर डाल दूँगी। तो पहले भी कुछ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपीज एंड डिज़ाइन शेयर किए थे मैं, मेरे चैनल पे भी है उसी सारे डिज़ाइन। बट उस ब्लैक फॉरेस्ट केक में मैं लेयरिंग करने के टाइम और चॉको चिप्स या चॉकलेट गनाश ये सारी चीज़ यूज़ किए, लेकिन आज मैं पहली बार ब्लैक फॉरेस्ट केक में डार्क कंपाउंड चॉकलेट को ग्रेट करके दिया। अगर आप लोगों के पास कभी भी ब्लैक फॉरेस्ट केक की ऑर्डर आए और आप लोगों के पास चॉको चिप्स नहीं है और गनाश बनाने का टाइम भी नहीं है, तो आप लोग डार्क कंपाउंड चॉकलेट को इस तरीके से दे सकते हो। तो इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और आप लोगों का काम भी चल जाएगा। और आज का ब्लैक फॉरेस्ट केक की जब ऑर्डर आए मेरे पास तो चॉको चिप्स नहीं थे और इतने टाइम भी नहीं थे कि चॉकलेट गनाश बनाएं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में उसको केक चाहिए था। तो जो लोग होम बेकर है तो उसे तो पता ही है कि होम बेकर्स की ऑर्डर तो इस तरीके से ही आती है, कब कहाँ ऑर्डर आएगा उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बस डार्क कंपाउंड चॉकलेट को इस तरीके से ग्रेट करके केक के ऊपर दिया। तो इसमें बहुत टेस्ट अच्छा आया, बाद में जब उस लोगों ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा लगा केक की टेस्ट, तो ये बात सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों के साथ बात करते करते केक की मेरा क्रम कटिंग हो चुके थे और क्रम कटिंग करने के बाद मैं इसको लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लिया और फ्रिज से निकल के इसका जो आइसिंग होता है वही कर लूँगी। तो आइसिंग करने के लिए मैं बस पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर लिया और नोज़ल में मैंने राउंड शेप का नॉर्मल वाला नोज़ल यूज़ किया हूँ। तो आप लोगों के पास अगर नॉर्मल वाला राउंड शेप का कोई नोज़ल नहीं रहा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बस नॉर्मल पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के पाइपिंग बैग को कट करके आप लोग इस तरीके से केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, फिर स्प्रेड कर सकते हो। तो इसमें फिनिशिंग में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा और फिनिशिंग अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं पाइपिंग बैग में भर के क्रीम को अप्लाई किया। तो मैं पहले अप्लाई करने के बाद मैं स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दिया, फिर स्प्रेड करने के बाद मैं साइड को स्क्रैपर के मदद से एक बार ही राउंड घुमा लिया। तो साइड तो मेरा हो चुके हैं और साइड मेरे
करने में टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम लगता है। बस एक बार अगर घुमा लूँ राउंड तो ही हो जाता है साइड, लेकिन ऊपर में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर को स्पैचुला की मदद से कर लेती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लग रही है कि राउंड नहीं हुआ तो उसी जगह पे और एक बार मैं घुमा दिया। तो देख सकते हो केक की आइसिंग मेरा परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो आइसिंग करने के बाद मैं चॉकलेट को, डार्क कंपाउंड चॉकलेट को थोड़ा ग्रेट कर लिया, और पहले ही ग्रेट करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लिया, और फिर उसके बाद मैं इधर केक के ऊपर चिपका दूँगी। तो ऊपर से मैं डालते जाऊँगी। तो मैं चॉकलेट डायरेक्ट हाथ पर लेकर केक पे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा डर लगता है कि क्रीम मेरे हाथ पे ना लग जाए, तो इसलिए मैं इस तरीके से दे रही हूँ। और केक बोर्ड के नीचे जो गिर रही है वो बाद में मैं क्लीन कर लूँगी, और वो सारी चॉकलेट मैं केक की मिडिल में लगा लूँगी। तो केक की साइड में मैं सारे ग्रेट किया हुआ चॉकलेट को लगा दिया, फिर केक बोर्ड को क्लीन भी कर लिया, फिर केक के ऊपर मैं एनोवा नोजल से और बस वाइट वाला क्रीम से रोज़ फ्लावर बना लूँगी। तो लगभग मैं 8 रोज़ फ्लावर बनाऊँगी, और रोज़ मैं ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं बनाऊँगी। तो आप लोग देख के तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि मैं किस तरीके से रोज़ बना रही हूँ, और मैं एक पास पास ही दूसरा रोज़ बना रही हूँ एक के पास ही। तो लगभग मैं 8 फ्लावर बना लिया ऊपर के केक के ऊपर में, और साइड पे मैं केक बोर्ड के नीचे तो मैं छोटा छोटा वाला स्टार स्टार वाला उसी नोजल से और उसी क्रीम से फ्लावर बना लूँगी, तो पूरे साइड पे। तो इसमें केक और भी थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चॉकलेट ग्रेट को किया हुआ चॉकलेट को मैं साइड पे लगा दिया हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर साइड पे बॉर्डर दे या ना दे, लेकिन मेरे पास क्रीम ही बच गई थी तो मैंने सोचा कि उन्हें दे दें। और जो सारे चॉकलेट क्रिएट किया हुआ चॉकलेट मैं साइड पे लगाने के टाइम जो गिर गई थी, तो उसी चॉकलेट को मैं अच्छी तरह से उठा के फिर रख लिए थे, और कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट को क्रिएट कर लिए थे, फिर उसको मैं मिडिल में इस तरीके से रख दिया। और इधर मैं 4 चेरी को मिडिल बराबर मैं टुकड़े कर लिया हूँ, और उसी चेरी को टुकड़े को चेरी के टुकड़े को मैं फ्लावर के ऊपर रखा दूँगी। ब्लैक फॉरेस्ट केक में अगर चेरी ना रहे तो वो ब्लैक फॉरेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आज का डिज़ाइन यही। आप लोगों को आज का ब्लैक फॉरेस्ट की स्पेशल डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।